उत्साह नजर आ रहा है। सख्ती में तेज गर्मी के बीच भी भारी संख्या में लोगों के आने जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं और ये वहां की तस्वीर आप देखिए, इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आप देखिए कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेठा में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो है बीजेपी की कमलेश जांगड़े के प्रचार के लिए यहां पहुंचने वाले हैं और जो लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में भी लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं और यहां नरेंद्र मोदी को जी को सुनना चाहते हैं। उनसे बात करेंगे कि कहां से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग मालखुर्दा मोहतरा से आ रहे हैं भैया। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी है। मोदी जी को सुनने आए हैं? जी जी, मोदी जी सुनने भी आए हैं और देखने भी आए हैं। इससे पहले यहाँ मौका लगा उनको देखने का या सुनने का? अरे हम लोग तो टीवी से देख रहे थे और हमारे करीब भी हैं मोदी जी और उनका हम लोग चाहने वाले हैं। कितना उत्साह है लोगों में जो आ रहे हैं, लगातार इतनी तेज धूप है उसके बावजूद भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं आप लोग, मोदी जी को सुनना चाहते हैं? जब विकास ही इतना अच्छा है तो गरीबों के लिए इतना धूप को कोई मायने नहीं रखा जाता है, इसके लिए मोदी सरकार को ही दोबारा लाना है, बल्कि मोदी सरकार का पूरा पब्लिक आया है। आप बताएंगे दादाजी? जी आप मोदी सरकार को देखने आए हैं और हमारे मन खुश है, ये धूप नहीं जनाता है। हाँ धूप में आया है ना ताले नहीं जमाता है। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और कितना उत्साह लग रहा है यहाँ पर मोदी जी को पहली बार आप लोग यहाँ सुनने जा रहे हैं? हम तो परसदा कला नज़दीक से हैं, बाकी मोदी जी के आने से बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी तो हमारे देश का शान है, आन बान शान सब चीज है। मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है और इसीलिए हम लोग आए हैं मोदी सुनने के लिए। आप युवा हैं, आप वोटिंग डाल रहे हैं क्या? हाँ पहली बार डालेंगे? नहीं दूसरा। दूसरी बार। कितना उत्साह है मोदी जी जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं उसको लेकर? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे? आप बताएंगे दादा आप कहाँ से आ रहे हैं? आप खरसिया से। बताएंगे मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर उनकी उनकी भाषण सुनने के लिए आप लोग पहुँच रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में? बहुत खुशी की बात है मोदी की भाषण सुनने के लिए इतना दूर से आए। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे पावन धरती पर आए। जी तो देख सकते हैं जो लोग हैं, आप देख सकते हैं जो लोगों का जो काफिला है वो लगातार उधर कैमरा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शक्ति की पावन धारा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है और इन शब्दों के साथ जी आपके आने से माटी भी कन्या चंदन है और जांजगीर चांपा के शक्ति विधानसभा की पावन भूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है और आगे के संचालन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष दीदी नदी राजवाड़े जी को कि आगे का संचालन करेंगे। मोदी 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 बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के 140 करोड़ परिवार के मुखिया सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज माँ चंद्रहासिनी देवी के आंचल में, माँ अष्टभुजी के आंचल के आशीर्वाद तले हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे समय में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे सम्माननीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ
कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र और साल से स्वागत करें। सम्मानी मुख्यमंत्री जी,